हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये दोस्तों सुबह सुबह नाश्ता में हम एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। पिछले दोस्तों किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मेरे यहाँ देखिए धान की खेती कितना अच्छा हुआ है। एकदम पूरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। सब में धान का खेती हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों किचन में चलते हैं और बनाते हैं। दोस्तों किचन में आ गए हैं और देखिए टेस्टी लाजवाब रेसिपी बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये चना है, चना को हम फुला दिए थे रात में। 8-10 घंटा फुलने के बाद दोस्तों इस तरह से चना हो गया है। साथ ही दो बारीक काट लिए प्याज, एक तेजपत्ता और 3 बड़ा साइज का आलू को हम बारीक काट लिए हैं। दोस्तों चलिए ये सब को हम पहले एक साथ हम कुकर में उबालेंगे और उसके बाद जो है रेसिपी बनेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसमें थोड़ा हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल डाले हैं, सबको एक साथ हम मिक्स कर लेते हैं। नमक तेल हल्दी लगा कर जो है मिक्स कर दिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आइए इसे कुकर में डालते हैं और 2 सीटी में उबाल कर तैयार करते हैं। दोस्तों कुकर में डाल लेते हैं, 2 से 3 सीटी में उबलेगा, तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए चना आलू को उबाल लिए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। 2 से 3 सीटी में जो है ये चना उबल कर तैयार हो गया। इसका पानी भी वेस्ट नहीं हुआ है, सब एक ही साथ है। और इसमें हम क्या क्या मसाला डालेंगे आइए आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों इसमें मसाला डालेंगे कस्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला, साथ में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। दोस्तों लहसुन कूट लिए हैं, साथ ही 2 मिर्ची को बारीक काट लिए हैं और 3 प्याज को बारीक काट लिए हैं। प्याज कम डालेंगे क्योंकि उबालते समय भी हम प्याज डाल दिए थे। मसाला डाल के हम टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। तो आइए दोस्तों कढ़ाई गरम कर चुके हैं तो उसमें तेल डालकर छौंक लगाते हैं और मसाला को भूनते हैं। गरम होने देते हैं, जीरा का छौंक लगाएंगे। तेल गरम हो गया है तो जीरा का छौंक लगाते हैं। सिर्फ जीरा ही डालेंगे और साथ ही हम डाल देते हैं 5 फोरन। ये देखिए 5 तरह का जो है मिक्स रहता है, इससे और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ्लेवर भी जो है बहुत अच्छा आता है छोला का। इसे हम चटकने देते हैं। चटक गया है तो हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन पहले हम इसलिए डाले हैं ताकि लहसुन का जो है कच्चापन निकल जाए। साथ ही हम प्याज डाल देंगे और हरा मिर्च भी डाल देते हैं। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, साथ में लहसुन भी भुना जाएगा। तो दोस्तों प्याज को भून लिए हैं, देखिए कितना अच्छा जो है प्याज भुना गया है। आइए इसमें हम आप लोगों को जो मसाला दिखाए थे मसाला डाल देते हैं। सबको एक ही साथ डालेंगे ताकि सारा मसाला जो हम धोकर डालेंगे मसाला जो है जलेगा नहीं। मसाला को 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से कम ताव करके। मसाला में भूनते समय हल्का नमक डाल देते हैं। नमक हम पहले चना में भी उबालते समय डाले थे, अभी हम हल्का ही नमक डालेंगे। उससे नमक डाल देते हैं।
तो मसाला देखिए कितना अच्छा से जो है भुना गया है, चारों तरफ से ऑयल भी छोड़ दिया है। तो चलिए हम चना आलू को उबाले हुए हैं देते हैं इसमें। छलनी के मदद से हम आलू में जो है कट लगा देते हैं ताकि आलू जो है बारीक हो जाए और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दिए हैं, देखिए कितना खूबसूरत जो है कलर भी आया है और मिक्स हो गया है। तो इतना गाढ़ा नहीं रखेंगे, इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो है ग्रेवी भी बनेगा। बिना ग्रेवी का चना आलू का रेसिपी अच्छा नहीं लगता है खाने में। सूखा भी लोग खाते हैं लेकिन ग्रेवी वाला बनाएंगे हम। तो आइए इसमें हम पानी डाल देते हैं। आइए दोस्तों ढक्कन से हम ढक्कन से ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा टेस्टी टेस्टी आलू चना का रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। इतना ग्रेवी रखेंगे और बाद में जो है गाढ़ा हो जाता है ये सब्जी। आइए दोस्तों उतार लेते हैं, फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें से। चलिए उतार लेते हैं। तो दोस्तों बड़ा सा बर्तन में निकाल लिए, आइए प्लेटों में निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों प्लेटों में निकाल लिए हैं चना आलू का रेसिपी, एकदम नए तरीके के बनाए हैं दोस्तों। इसे रोटी पराठा पूरी के साथ या चावल दाल के साथ ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोस्तों ये रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।